नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर के दौरान एक व्यापारी अपनी दुकान पर गया हुआ था और बताया जा रहा है कि दिन दहाड़े ही व्यापारी के साथ इस फायरिंग वाली घटना को अंजाम दिया है। कार में आए 6 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसके दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस घटना के दौरान 2 बदमाश तो गाड़ी में बैठे रहे, जबकि 4 बदमाशों ने दुकान में घुसकर व्यापारी के साथ ऑटोमेटिक पिस्टल से 15 बार इस फायरिंग वाली घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि इस घटना के दौरान करीब 30 से 40 बार राउंड फायर किए हैं और पुलिस को दुकान के भीतर से लेकर नाले तक खोल बरामद किए गए हैं। पूरा मामला है जो हरियाणा के करनाल से निकल कर आ रहा है। व्यापारी ने बताया जा रहा है कि मौके पर मृत घोषित कर दिया गया था और मामला गैंगवार से जुड़ा बताया जा रहा है। मृतक जय भगवान गांव झिंझावनी का रहने वाला है, जिस दौरान इस घटना को अंजाम दिया है। जय भगवान का बेटा गोल्डी और भाई धर्मवीर अपने घर पर थे। दुकान पर जय भगवान अकेला ही था और काम कर रहा था। उधर व्यापारी की इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने अभी 4-5 टीमों का गठन किया है और गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और करीब 4-5 थानों के भयंकर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, जिससे कि कोई वहां पर विवाद ना हो सके। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।